वेलकम टू माई किचन। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाई हूँ केक और देख ही सकते हैं आप, मैं केक को काट के दिखा रही हूँ कितनी स्पंजी बनी हुई है। और जैसे ही मैं उसे दाब रही हूँ फिर अपने ही जगह में वो वापस जा रही है। तो इसके लिए हम क्या क्या लेते हैं, सबसे पहले एक मिक्सिंग जार ले लेते हैं जिसमें कि मैं 3 अंडे को फोड़ ले रही हूँ। और इसकी वाइट एंड येलो पोर्शन सब अलग करके देते हैं, बट मैं तीनों को एक साथ ही दे रही हूँ, उसको अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो अलग कर सकते हो। ये मैंने मिक्सी में फिर डाला चीनी, शुगर 1 कप मेजर कर लिया। आपके घर में जो भी कप है उसी कप से आप मेज़र करोगे सारे चीज़ें, और एक ही कप से करोगे ये। उसके बाद उसी कप से मैंने 1 कप तेल डाल दिया, 1 कप से थोड़ा कम है यानी 3/4 है। फिर मैंने डाला इसमें मिल्क यानी दूध 1 कप, और इसमें डाल रही हूँ मैदा, या आप आटा भी बना दे सकते हैं। मैं मैदा डाल रही हूँ, आप आटा से भी बना सकते हो ये केक। तो इसमें 2 कप मैंने मैदा डाला, और ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों को 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ। अब इसे हम छान लेंगे एक छन्नी की मदद से। हम इसे छान ले रहे हैं अच्छी तरह से। ये हमारा सारा मैदा छन गया और साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी मिल गया। ये अच्छी तरह से मिल जाने से क्या होता है कि हमें बाद में अच्छी से मिलाने की वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब मेरे मिक्सिंग जार में जगह थोड़ा कम था इसलिए मैं इसे हाथ में मिला रही हूँ। आप चाहो अगर आपका मिक्सिंग जार बड़ा है तो आप इन मैदे को उसमें डाल के, ज़्यादा नहीं तो हल्का सा क्रिस, इसमें मैंने हाथ में मिलाया इसलिए क्रिसन क्रॉस देखिए इस मेथड से मैं मिला रही हूँ। पर आप मिक्सिंग जार में भी थोड़ा ज़्यादा नहीं चलाना है, थोड़ा सा चला के बंद कर देना है। उसके बाद आपको इसमें डालना है वैनिला एसेंस, जिस फ्लेवर का आप बना रहे हैं। केक मैं वैनिला फ्लेवर की बना रही हूँ इसलिए मैंने वैनिला फ्लेवर डाला है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ विनीगर। विनीगर मैंने इसमें 1.5 स्पून डाला, जिस स्पून से मैं बाकी चीज़ें डाली हूँ उसी स्पून से डाला। ये मेरा इडली मेकर है जिसमें से मैं सारे इडली जो मशीन का अंदर रहता है वो सारे निकाल दे रही हूँ, और ये अंदर का हिस्सा है, इसे मैंने अच्छा से पोंछ के क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें तेल डाला, आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, और इसे अच्छी तरह से लगा ले रही हूँ। चारों तरफ लगा ले इसे अच्छी तरह से, जिससे मैं इसमें मैदा की कोटिंग करूँगी जिससे वो मैदा चिपक सके। इस तरह से आपको लगाना है, आपको ज़रूरत पड़ने से और थोड़ा सा ले सकते हैं। फिर मैं मैदा इसमें डाल रही हूँ और इसे घुमा घुमा के उसमें चिपका ले रही हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं कम पड़ रहा है तो बाद में भी आप मैदा फिर से डाल के थोड़ा सा और इसमें घुमा सकते हैं। अच्छी तरह से मैदा को चिपका लेना जिससे केक का बैटर हमारे बर्तन में ना चिपके। ये एक न्यू प्रोसेस है, ऐसे शायद ही कोई बनाता होगा, और मैं तवे पे बनाने वाली थी बट मेरा जो इडली मेकर है वो थोड़ा सा बड़ा है जिस वजह से मैं अब इसको कढ़ाई में शिफ्ट करूँगी। देखिए मैंने यहाँ बैटर डाल दिया है, सारे बैटर जितने भी है सारे को डाल दीजिए डायरेक्ट, इसमें कोई पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल मेथड है। फिर मैंने कढ़ाई ले लिया, आप चाहो तो अगर आपका तवा अगर बड़ा है तो आप तवा का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने उसके ऊपर नमक डाल लिया है और नमक को थोड़ी अच्छे से फैला लेंगे। आप इस नमक को फिर से यूज़ कर सकते हो बाद में, मगर मैं नहीं करती हूँ। मैं बेकिंग के लिए ही ये नमक अलग से मैं डिब्बे में रखी हुई हूँ और उसी नमक को बार बार यूज़ करती हूँ, जिस वजह से थोड़ा सा ब्राउन भी दिखने लगता है ये। अब ये कढ़ाई को प्री हीट मैंने कर लिया है, उसके बाद मैं उसमें ये इडली मेकर बैठा दे रही हूँ और उसका ढक्कन को लगा दे रही हूँ। लगभग 40 मिनट्स तक आपको इसका ढक्कन खोल के बिल्कुल नहीं देखना है। 40 मिनट्स के बाद आप उसे देखोगे। अच्छा, ये लो फ्लेम से मीडियम फ्लेम में ही बैठाना है इसको। आप इसे ज़्यादा में रखोगे तो केक जल सकता है। ये देखिए मेरा 40 मिनट्स के बाद किस तरह फूल गया है, बहुत देर हम खुला नहीं रख सकते इसको। बंद करके इसको कलर लाने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया है मैंने। ये देखिए इसका कलर आ गया, ये और 20 मिनट्स मैंने रखा था, 40 मिनट्स के बाद
मतलब लगभग एक घंटा, 1 आवर में ये बनके तैयार हो गया है। अब ये देखिए, मैं इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा देर छोड़ दी थी, जिससे इसके साइड के किनारे सारे छोड़ दिए हैं। फिर भी मैं सेफ्टी के लिए चाकू से साइड में खुड़ेद ले रही हूँ थोड़ा सा। अब मैं एक प्लेट ऊपर में रख के से उलट दूंगी। देखिए, बिना पेपर के, बिना भी कुछ के, ये आसानी से बाहर आ गया, कुछ का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। देखिए कितना फ्लफी बना है। अब मैं इसे, आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। आप भी इस तरह बनाइए, खिलाइए और अपने अनुभव हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए।